ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਕਿਆ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੈਗਨਾਰ ਟੇਬਲ ਕਿਹੜੀ मैच्योर हुई इस ग्रुप के पीछे हम काफ़ी दिन से लगे थे और लगातार प्रयास चल रही थी कि इसको हम लोकेट कर सकें और 6 अगस्त को हम इसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमें इसके बारे में मिली जिसकी सूचना सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शेयर की गई और सब ने मिल के एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया और दौरान ऑपरेशन 2 टेररिस्ट जो है मार गिराए गए, 1 या 2 और के होने की संभावना है जिसकी तलाश चल रही है। जो आतंकवादी मार गिराए गए उनसे 2 AK-47, 9 मैगजीन्स और एमुनिशन वगैरह भी बरामद हुआ है। जो बाकी बचे हुए आतंकवादी हैं उनकी तलाश जोर शोर से चल रही है, 1-2 बार उनकी साइटिंग हुई है लेकिन हम उनको मार गिराने में अभी तक कामयाब नहीं हुए, लेकिन जल्द ही हम उनको भी ट्रेस करके उनको भी न्यूट्रलाइज कर देंगे। देखिए, जो पार लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान की ISI और उनकी बाकी जो सहयोगी एजेंसी के जरिए चलते हैं वो लगभग बराबर कायम है, उनमें कोई कमी नहीं आई है। हम लोग टाइम टू टाइम जब कभी भी जिक्र करते हैं उनका अंदाज़ा 250 से लेके 300 के करीब लगाते हैं कि 250 से लेके 300 तक जो आतंकी है दहशतगर्द है उन कैंपों के ऊपर ट्रेनिंग भी हासिल करते हैं और लॉन्चिंग के लिए भी तैयार रहते हैं। चीज़ फायर की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो 20 फरवरी को हुई थी, कुछ अरसा बीच में रहा जिसमें इन्फिल्ट्रेशन 0 पे आ गई थी, इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई और किसी भी तरह का जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और शेलिंग किसी तरफ से नहीं हुई, जो आम आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से और हर सतह के ऊपर जिसकी सराहना हुई वो एक अच्छी बात है जिसमें किसी भी तरह का नुकसान किसी का नहीं हुआ है। मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ वक़्त से जो इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला है वो अलग अलग लॉन्च पैड से दोबारा शुरू हुआ है। इस तरफ भी रजौरी पुंछ का आप जानते हैं कि जे परसों जो इनकाउंटर हुआ, जे तीसरा इनकाउंटर है पिछले कुछ वक्त के अंदर, उससे पहले डडल के एरिया में, नौशहरा में और सुंदरबनी में जो इनकाउंटर्स हुए, इसके बाद ये पंगाई का अभी जो इनकाउंटर हुआ जिसका ADG साहब जिक्र कर रहे थे, ये सब ताज़ा ग्रुप हैं जो उन लॉन्चिंग पैड से लॉन्च करके जहाँ पर भेजे गए। और इतला ये है कि इस तरह की एक्टिविटी अभी जारी है और भी इस तरह की लॉन्चिंग के इम्कान और शंका मौजूद हैं अभी, और इसके चलते मैं समझता हूँ कि हम लोगों को अपनी बॉर्डर ग्रिड को और अच्छे से मजबूत रखना है। इसके अलावा जो कश्मीर की तरफ कार्रवाई है वहाँ पर भी अभी एक ग्रुप ताज़ा इन्फिल्ट्रेट करके आया था जिसको कुछ दिन पहले 4 का ग्रुप था, चारों के चारों बांडीपुर में एक ऑपरेशन में 23-24 रात को ऑपरेशन शुरू हुआ था, जुलाई को उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। उनके जो मालूमात मिली उससे भी ये पता चला कि मच्छल और गुरेज के सेक्टर से इन्फिल्ट्रेशन करके वो ग्रुप आया था, और ये भी पता चला कि उनकी लॉन्चिंग कैल के सेक्टर से हुई थी जो पाकिस्तान में है, और वो कैल सेक्टर पर जिस वक्त इनको लॉन्च किया था 14 लोग और मौजूद थे जिनको लॉन्च करने की तैयारी उस वक्त चल रही थी। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नापाक हरकत अभी भी जारी है, बॉर्डर ग्रिड पूरी तरह मजबूती से अपना काम कर रही है और हम लोग जिस तरीके से आपने जो देखा 3 एनकाउंटर अभी तक हुए, आइंदा भी इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन को जो है वो फॉइल करने के लिए तैयार रहेंगे। सर, ये जो मिलिटेंट मारा गया है ये लोकल है या फॉरनर है? ये तो दो मिलिटेंट के बीच में एक मिलिटेंट रमीज करके शोपियाँ का होने का क्लेम कुछ उनके घर वालों ने किया है, DNA सैंपल उनके ले लिए गए हैं, उसकी जांच के बाद पता चल जाएगा कि वो लोकल है। दूसरा जो है उसको किसी ने क्लेम नहीं किया है और चांसेस ज़्यादा हैं कि वो पाकिस्तानी है,
क्योंकि जो बांडीपुर में मारे गए उसमें दो लोकल थे और दो पाकिस्तानी थे। जहां पर भी जो लॉन्चिंग होती है इसमें ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है कि आधा लोकल और आधा पाकिस्तानी टेररिस्ट उसमें आता है। इसमें भी लगता है कि जो अभी पहचान जिसकी नहीं हुई वो पाकिस्तानी हो सकता है। पहला ये कि इन्फिल्ट्रेशन कितनी हो चुकी है, हम लोग ये असेस कर रहे हैं कि 3 से 4 ग्रुप इस एरिया में क्रॉस हुए हैं, जिसमें से पहले 2 ग्रुप्स के साथ कांटेक्ट होने के बाद कुछ दहशतगर्द उसमें न्यूट्रलाइज कर दिए गए। ये ग्रुप जिसके साथ अभी कार्रवाई चल रही है, जिसमें 2 दहशतगर्द जो है उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और बाकी 2 के लिए तलाश जारी है। इसके साथ पॉसिबिलिटी है कि कोई एक ग्रुप और आया हो जो या तो इस खत्ते में है या फिर अभी पार शोपियां की तरफ जा चुका है, उसकी तलाश भी जारी है। सर, OGW पे कैसे नज़र रहेगी रजौरी पूंछ में? OGW मैंने पहले ही कह दिया है कि जो नेटवर्क पैदा करने की कोशिश वो कर रहे थे, पुराना नेटवर्क पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। आइंदा जहाँ जहाँ भी एक्टिविटी होगी उस एक्टिविटी के ऊपर भी हमारी नज़र है, और जो जो कोई रूंदमा होगी कोई एक्टिविटी उसके ऊपर बराबर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जहाँ दहशतगर्दी की फंडिंग को लेकर के एक बहुत बड़ा नेटवर्क शुरू से चल रहा था, हम लोग हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दी की फंडिंग का सिलसिला ख़त्म किया जाए, इनके कनेक्ट को ख़त्म किया जाए। अभी आपको याद होगा कल परसों 56 जगहों पे NIA और पुलिस और CRP ने मिल करके लोगों के जगह रेड करी है। जो लोग दहशतगर्दी को जिंदा रखने में पैसे के जरिए या बाकी किसी सपोर्ट के जरिए से कार्रवाई करते हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पैसा जहां भी पकड़ा गया, पैसा जम्मू में पकड़ा गया, कोई 1.5 करोड़ पिछले साल हम लोगों ने हंदवाड़ा में पकड़ा था जो नारकोटिक्स को बेच करके दहशतगर्दी को जो वहाँ पर फंडिंग के लिए इस्तेमाल होना था। उसके अलावा JEI की कुछ रेड्स में कुछ कैश पकड़ा गया, कुछ उनके अकाउंट्स में पैसा सीज किया गया। जिस तरह का भी हवाला का पैसा जगह जगह से आकर के या किसी चैनल से मिलिटेंसी को फंड करने के लिए इस्तेमाल होगा, उस हर चैनल को ब्लॉक करने की। देखिए, बहुत सारे निशाने पहले से चूज़ किए जा चुके थे, जिनके ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी होकर के IDs पहुँच चुकी थी, मगर जम्मू कश्मीर पुलिस को मैं शाबाश कहना चाहता हूँ। हमारी जो अलग अलग फॉर्मेशंस हैं जम्मू